नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। और यहां पे वीडियो बन रही है बहुत जल्दबाजी में। निखिल भाई बोल रहे हैं कि जाओ 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 चलो 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 घूमो। और अभी दोस्तों बन गया शाम के 7:30। हम सुबह से कुछ भी नहीं घूम पाए हैं, तो अभी निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है, एक्सप्लोर यहां पे एलए में कुछ आसपास की मस्ती, थोड़ा बहुत मजाक, थोड़ा बहुत घूमना फिरना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो सीन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया है कि भैया हम क्या करने वाले हैं। टाइम हो गया है 7:30 और दिन में आज कुछ प्लान्स थे लेकिन वो होने वाले हैं अभी कल, जैसे कि चाहे वो हॉलीवुड का साइन हो जैसे, तो कुछ और चीजों घूमने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ पार्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। क्या करते हैं कुछ नहीं मालूम, अभी तो स्निकर खाते हैं। ये देखो आपने अचानक बड़ा चला रहा है, ये क्या साइड उधर मुंह करो, मॉइस्चराइजर साथ में फ्री आया स्निकर्स के। क्या चला रहा अठाना, बाकी सब चाहे कुछ भी हो एक बात माननी पड़ेगी, शाम का मौसम बड़ा कमाल है इधर का, एकदम सुहाना मौसम है ना चाहिए इधर। अगर गौरव बाहर निकले तो मालूम पड़ेगा ना, तो गौरव खिड़की से एनालाइज कर लेता ना कि बाहर का कितना मतलब अच्छे वाला मौसम चल रहा है। 18 डिग्री राइट नाउ। सीन अभी ऐसा है, निखिल भाई ने शुरुआत की है आज की शॉपिंग के साथ। शॉपिंग क्या करने वाले हो? मम्मी के लिए आईफोन लूंगा मिला तो। अच्छा, और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लूंगा शानिस के लिए। अच्छा, और बहन के लिए घड़ी। ओके चलो, तो तीन लिस्ट फाइनल है और खुद के लिए कपड़े। अच्छा, तो ये हम करने वाले हैं एक ही जगह पे, अगर सब मिल गया तो एक ही जगह पे, नहीं मिला तो घूमेंगे और क्या। दोस्तों मजे की बात ये है, अभी होटल से तो बाहर आ गए लेकिन अब यहाँ पे वीडियो कहाँ से अपलोड करें समझ आ रहा, लेकिन यहाँ पे स्टारबक्स में जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा एक घंटे में, तो एक घंटे तक कुछ कॉफ़ी पीते हैं। निखिल भाई ट्राइपॉड में चलाओ मेरा, और उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करते हैं। फिलहाल एक घंटा है, वीडियो अपलोड तो हो ही जाएगा अभी जल्दी से। तो बात अभी ऐसी हुई यहाँ पे आके कि हमने कॉफ़ी पी, वीडियो अपलोड की, निखिल भाई ने थोड़ी सी शॉपिंग करी और किस्सा खत्म। वापस से जा रहे हैं होटल की तरफ। अभी बताते दोस्तों कुछ और अंदर की बात है, अभी तो यहाँ पे मॉल में सारा काम खत्म हो गया, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग काम हुआ निखिल भाई? अरे यार बहुत कुछ हुआ। मॉल में हमने आके क्या किया, यहाँ पे हमने बेसिक कुछ दो कॉफ़ी पी, उसके अलावा बीच में वीडियो अपलोड भी हो गया, उसके बाद में हमने यहाँ पे बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग करी। मेरा कैसा है, मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत कम लोगों को मॉल में बहुत पागलों जैसा हंसता हूँ, तो गौरव ने इतना हंसाया है, और गौरव का इंटेंशन नहीं होता हंसाने का, गौरव के जो वन लाइनर्स है, खटारा लेके जा रहा है, बुलेट खोल खड़ा रहेगा या कुछ भी, ऐसे इतने सारे कमेंट, ही डजंट, हिज इंटेंशन इज नॉट टू मेक एनीबॉडी लाफ, ही इज ट्राइंग टू बी सार्केस्टिक, एंड द मोमेंट ही इज सार्केस्टिक मेरा वो सैवेज वाला हो जाता है, बहुत बार सैवेज हो जाता है, और इतना फनी होता है ना, मतलब कसम से बोलता हूं, और मैं इतना हंसता हूं कुत्ते जैसा। मुझे 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 कुछ और एक शायद चैनल स्टार्ट करना चाहिए क्या, सैवेज वाला के नहीं, आपको रिएक्शन चैनल चालू करना चाहिए। दोस्तों वापस से हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, कल शाम को तो ज्यादा कुछ किया नहीं था, नजदीक एक मॉल में गए, वापस आ गए, तो अभी मेरे को समझ नहीं आता कि मैं वो वाला वीडियो को इसमें शामिल करूंगा या नहीं करूंगा। बट एनीवेज मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश एपिसोड में, और पीछे हो रहे हैं निखिल रेडी, मेरे को कर रहे हैं लेट, पता नहीं सुबह से मैं तो एकदम तैयार होकर बैठा हूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। इतना अच्छा अच्छा माहौल है ना यहाँ पे, लगता है बारिश हो सकती है, लगता है नहीं हो सकती है, गाड़ी हमारी आ गई है, चलो बहुत अच्छी बात है पीछे, और अभी हम जाते हैं सीधा भाग के निखिल के लिए एप्पल स्टोर, उसके बाद में कुछ और घूमना फिरना, कुछ और शॉपिंग, और दिन करेंगे आगे कंटिन्यू। मैनहट्टन विलेज में एप्पल स्टोर, देखते हैं क्या मिलता है। पीछे एप्पल स्टोर से शॉपिंग डन, निखिल ने परचेज किया है रेड कलर का आईफोन 8 प्लस जो है कुछ ऐसा है, हालांकि भी नए आने वाले हैं लेकिन ये फिलहाल के लिए रेड कलर में काफ़ी कमाल लग रहा है, और ऐसे में शॉपिंग हो गई, कार्ड भी स्वाइप, कैश भी दे दिया, खर्चा हो गया यार कितना, 875 डॉलर्स कन्वर्ट कर लो आप तो डॉलर खेले, काफ़ी सस्ता है इंडिया से, इंडिया से डेफिनेटली सस्ता है, नो डाउट अबाउट इट, और ये हमने लिया अनलॉक्ड वर्जन, इंडिया में काम करेगा, जियो की सिम भी चलेगी, सब चलेगा। अभी और क्या शॉपिंग करना है? देखो बहन के लिए को तो घड़ी चाहिए वो। ओके अभी हम जहाँ पे आए हैं वो एक्चुअली इतना बड़ा मॉल नहीं है, बहुत ही छोटा सा है ये मैनहट्टन विलेज, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारे काम की चीज़ मिल जाएंगे, उसके बाद में घूमना फिरना और बाकी होगा। अभी हम जा रहे हैं बेसिकली मैनहट्टन बीच, उसी के बगल में सेंटा मोनिका वगैरह, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं वाई सी टी वगैरह में, और अभी हमको दौड़ के रोड क्रॉस करनी है बिकॉज हमारा सिग्नल जो है वो ब्लिंक कर रहा है, बट मौसम काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी मज़े की फीलिंग आ रही है, और बस आधे घंटे की वॉक है लेकिन यहाँ से, और निखिल बोलते हैं चलो चलो, खाया कुछ है नहीं सुबह से, चलो घूमना है, चलो शॉपिंग करनी है, चलो फोन लेना है, चलो चलो, चलो बस सब चलो, चलो आज आखिरी दिन हमारा, चलो जो करना है करो, चलो।
वो हमारे ठीक सामने मैनहट्टन बीच है और आपने ये सब देखा होगा बहुत बार GTA में, तो उसी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि सामने क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है देखने की राइट लेफ्ट चीज़ों को और कैसा है ये बीच। ये जिस जगह पे मैं अभी हूँ उस जगह पे आपने ज़रूर GTA गेम में कुछ ना कुछ यहाँ पे आने के बाद में गाड़ी या कुछ ना कुछ चलाया होगा, जहाँ पे दोनों तरफ साइड में बीच है, पीछे की तरफ वो एक थोड़ा टेढ़ा पहाड़ सा है और ये एग्जैक्ट सेम व्यू होता है जो गेम में होता है, जहाँ पे इस तरफ कहीं पे ओपन बीच भी होता है, आप यहाँ पे तरह तरह के मिशंस के लिए आते हैं। और आज क्योंकि यहाँ पे वीकेंड है इसलिए पूरा फुल है यार, इस तरफ से लेके इस तरफ तक जो पूरा का पूरा बीच है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है। अभी हम देखते हैं कि आगे हमको क्या मिलता है। आपको याद होगा कि एक फेरिस व्हील भी होता है, हम जिस वॉकवे पे चल रहे हैं उसके किनारे, तो वो एक्चुअली उस तरफ है कहीं पे। और ये एग्जैक्ट सेम मैप है जो आप देखते हो ना GTA का, एग्जैक्ट सेम मैप हमने गेम्स में बहुत बार खेला है, अभी आप देख रहे हो रियल लाइफ में, काफी मजेदार चीज है। यहाँ पे हैं अभी हम हॉलीवुड साइन पे जाने के लिए तैयार, यहाँ तक आ गए हैं बीच रास्ते अपनी ऊबर से, हमको जा रहे हैं ऊपर पैदल हाइक करते हुए, कुछ 15-20 मिनट की चढ़ाई है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर स्टीप है और उसके बाद में हमको मिलेगा नजारा पूरा का पूरा, तो देखते हैं कि क्या वो वर्थ इट है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ना, जहाँ पे भी हम हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत कार्स और बहुत बाइक्स चलाई हैं लेकिन गेम में, अभी रियलिटी में देखते हैं कि चल के वहाँ का बेस्ट पॉसिबल व्यू कहाँ से मिलता है। निखिल भाई अपना पूरा सामान समेट रहे हैं, चीज़ें अंदर बाहर कर रहे हैं, जिसके बाद में हम टांग के अपना सारा सामान और चढ़ेंगे ऊपर। ये है वो व्यू जहाँ से पूरा LA शहर आपको दिख रहा है। मज़े की बात, पता नहीं आपको सामने वो बिल्डिंग दिख रही हैं, वरना वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर हम लेते हैं पैराशूट उस गेम में, कौन से गेम में, GTA में, वो US बैंक टावर की बिल्डिंग है, वो पीछे है, पूरा LA यहाँ से दिखा है। और ये है सामने हॉलीवुड साइन इस तरफ, देखते हैं उसकी बेस्ट पॉसिबल फोटो हम कैसे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर चढ़ने से कहीं ज़्यादा मज़ा उतरने में आता है, हालांकि रिस्की भी होता है क्योंकि स्टीप काफ़ी है, लेकिन फिर भी थकान नहीं होती, बस धक्के से चलते चलो और उतर जाओ नीचे। अभी मुश्किल से हम 5 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ट्राई करते हैं वहां पे अगर नेटवर्क रहा तो ऊबर बुक करने का। भाई उतर चुके हैं कम से कम 2.5-3 किलोमीटर, मेरे फ़ोन में घंटियाँ बज गई हैं कि आज का जो टारगेट था 10,000-15,000 कदम का जो भी था वो भी मैंने पूरा कर दिया। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ऊबर का तो कोई चांस ही नहीं है कि भैया कहीं से हम कॉल कर लें। आगे चलते हैं और शायद 150 मीटर तो कुछ दिखती है आबादी अच्छी वाली, हालांकि पीछे लाइन से पूरे घर ही घर हैं, नेटवर्क आना चाहिए। ऊबर बुक करने के लिए नेटवर्क नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। आगे चले देखते हैं कि शायद काम बन जाए और उसके बाद में हम कहीं पहुँच जाएँ अगले ठिकाने। फिलहाल के लिए ऊपर से चढ़ना उतरना काफ़ी मज़ेदार था, बिकॉज मौसम इतना ख़राब नहीं था, तो चढ़ने में काफ़ी मज़ा आया, उतरने में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अभी बस चलते रहो। नेटवर्क का यहाँ पे एक डंडा नहीं आ रहा है, ये वेलकम टू अमेरिका। दोस्तों ये है यहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम और यहाँ पे नीचे सितारों के नाम है बहुत सारे जमीन पे। बेसिकली ये टाइम्स स्क्वायर जैसा ही एक चीज़ है समझ लो आप, जहाँ पे लाइट्स हैं, तरह तरह के यहाँ पे थिएटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं, शॉप्स हैं, और उसके अलावा घूमते रहो, बात करते रहो, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है मैं कहूँ, काफ़ी हैपनिंग है और रात को लाइट्स इतने चकाचौंध देने की काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये है यहाँ पे हॉलीवुड में और LA के लिए अगर आप आते हैं कभी घूमने तो ये मतलब मैं कहूँगा कि वन ऑफ दी लोकेशन जहाँ पे आपको आना चाहिए। अगर आप देखेंगे ऐसा तो आपको इतना सारा इंटरेस्टिंग नज़ारा मिल रहा है ना ऊपर से नीचे तक, ये काफ़ी कमाल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये था सारा व्लॉग और बाद में हुआ कुछ ऐसा कि मैंने किया कैमरे को बंद और उसके बाद में की हम दोस्तों ने मिलके कुछ पार्टी, उसके बाद में मैंने आउट्रो भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर संडे ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।